हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्पिगन वायरलेस चार्जर का। मैं काफ़ी दिनों से एक अच्छा वायरलेस चार्जर अपने लिए ढूंढ रहा था। कई सारे ऑप्शंस मैंने देखे, बहुत सारे चाइनीज़ ऑप्शन भी देखे, लेकिन मुझे उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो ये स्पिगन का लगा। इसकी एक तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का है ये, और इसको मैं मल्टीपल तरह से यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं एज ए वायरलेस चार्जर भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैं एज ए डेस्क स्टैंड भी यूज़ कर सकता हूँ, और इसको मैं एज ए वायरलेस पैड भी यूज कर सकता हूँ। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। बड़ा ही अच्छा सा सुंदर सा बॉक्स है इसका। क्वांटम बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है ये। इंटेलिजेंट पावर डिफ्यूजन आता है, एयर बूस्ट आता है, इंटेलिजेंट सेफ्टी के साथ आता है, ओवर हीट प्रोटेक्शन और 12 मंथ वारंटी जो कि स्टैंडर्ड होती है सारे प्रोडक्ट्स के साथ। तो उसके बाद में इसमें कन्वर्टेबल टू वायरलेस चार्जर स्टैंड टू पैड साइमल्टेनियसली हम इसको कर सकते हैं, और इसमें एक छोटा सा एक टीपीयू डैक दिया गया है जिसके मदद से हम इसको फ़ोन को अपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों ही पोजीशन में अपने चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे इसका फीचर लगा। इसको हम एज अ डेस्क स्टैंड यूज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम एज अ वायरलेस चार्जर, और उसमें हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं हमें। मेरा मेन पर्पज़ इसको यूज़ करने का यही था कि मुझे इसको एज अ डेस्क स्टैंड भी यूज़ करना था। तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि आपका फ़ोन डेस्क पे रखा हुआ और चार्ज भी हो रहा है या पैड पे है। बट पैड पे और डेस्क पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि अगर ये डेस्क स्टैंड पे है तो आप बेसिकली फ़ोन आपके आई साइट में रहता है ये स्क्रीन जो है, तो कोई भी मैसेज वगैरह आता है तो आप उसको देख सकते हो। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी जल्दी से फटाफट। तो इसमें दो बॉक्सेस दिए हैं, एक ये बॉक्स दिया हुआ है छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, बाकी कुछ भी नहीं है। इसको हम थ्रो आउट करते हैं। सबसे पहले हम बड़े वाले बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। तो बिल्कुल प्लेन बॉक्स दिया हुआ है, कुछ भी कहीं पे कोई मार्किंग नहीं है। और सबसे पहले ये हमें इसका टीपीयू डैक नज़र आता है, इसको साइड रख देते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया है ये प्लास्टिक, बहुत ही बेकार का इसकी पॉलीथिन भी है यार, बहुत साउंड करती है। तो ये हो गया बेसिकली स्टैंड। इसके अलावा इसमें दिया गया है, इसको साइड रख देते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें यूएसबी केबल दिया गया है, USB 2 to USB 3, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का यूएसबी केबल है। चलिए केबल को साइड रख देते हैं अभी, और इसको भी हम साइड रख देते हैं। अब दूसरे वाले बॉक्स को हम अनबॉक्स करते हैं। काफ़ी हैवी बॉक्स है। इसमें एक तो ये हमारा वायरलेस चार्जिंग पैड पावर बैंक दिया गया है, और उसके अलावा इसमें कुछ मेन्यूज दिए गए हैं जो कि किसी काम के नहीं होते हैं, आपको मालूम ही है वाली चीज़। इसको हम साइड थ्रो कर देते हैं, इसको हम रिमूव कर लेते हैं पैकेट में से। सो लुक एट दिस यार, बहुत ही शानदार क्वालिटी दी है यार इन्होंने। मैट फिनिश में दिया गया है, सॉफ्ट रबरी टच फील दिया गया है इसका। और इसमें अगर हम साइड्स की इसकी बात करें तो इसमें एक साइड में स्विच दिया गया है, ये ऑन ऑफ स्विच है। इसको हम प्रेस करके बेसिकली देख सकते हैं कि इसमें बैटरी का परसेंटेज कितना है। इसमें 2, 3, 5 LEDs दी गई हैं, बहुत छोटी छोटी अगर आप देख पा रहे होंगे तो, जो हमें बैटरी का परसेंटेज शो करती है। इसके अलावा इसमें इधर टाइप सी पोर्ट दिया गया है, और ये हमारा बेसिकली डॉकिंग के लिए एक दिया गया है, और USB A अगर हम डायरेक्टली इसको चार्ज करना चाहें तो। अब इसको असेंबल करके करने का क्या तरीका है, स्टैंड लेते हैं हम इसको, और ये इसमें कनेक्टर पिन बेसिकली दिए गए हैं स्टैंड में, और ये पावर बैंक में यहाँ पे भी दिए गए हैं। तो मैं इसको एज अ पैड भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं एज अ पैड वायरलेस चार्जिंग करना चाहूँ तो एज अ पैड भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। एंड द गुड थिंग इज़ दैट इट इज़ डूइंग फास्ट वायरलेस चार्जिंग। अब इसको डॉक करके देखते हैं। इसको मैं इस तरह से डॉक अगर मैं कर देता हूँ तो ये कनेक्टिंग पिन की सहायता से डॉक हो गया है, और अब मैं इसका जो मेरा पोर्ट है वो केबल मुझे यहाँ पे लगाना है, जो कि बहुत ही नीट तरीका हो जाता है। तो अभी मैं इसको फ़ोन को यहाँ पे अपने लगा के देखता हूँ, तो ये चार्जिंग कर रहा है, और सबसे अच्छी बात अगेन फास्ट वायरलेस चार्जिंग कर रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी। और USB केबल बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। इसको मैं पीछे इंसर्ट कर सकता हूँ इस पोर्ट में, और इसको इस तरह से मैं अपने फ़ोन को चार्ज कर सकता हूँ। अब बात करते हैं टीपीयू डैक किस लिए दिया है। ये इसलिए दिया है कि इसमें जो कॉइल, क्योंकि एक पावर बैंक भी है और साथ में वायरलेस चार्जर भी है, तो इसका जो कॉइल है वो इसमें डबल नहीं दिया गया है, बिल्कुल सिंगल दिया गया है, मे बी बैटरी पोजिशन की वजह से। अगर मैं फ़ोन को हॉरिजॉन्टल रखता हूँ तो ये चार्ज नहीं कर रहा है,
बिकॉज ये अलाइन नहीं हो पा रहा है, जो कॉइल है उससे फ़ोन की कॉइल्स, चार्जिंग कॉइल्स अलाइन नहीं हो पा रही हैं, तो उस पर्पज़ के लिए इन्होंने एक टीपीयू केस दिया है। इसको हम इस तरह से, बहुत सॉफ्ट रबरी मटेरियल है इसका भी, इसको हम इस तरह से इसमें लगा सकते हैं और इसके बाद अब फ़ोन को अगर हम वर्टिकल पोजिशन में रखते हैं तो ये चार्जिंग करता है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही उम्दा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लुक आता है डेस्क पे रखने में, आप देख ही सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये रबरी फील जो इसकी दी गई है, ये बहुत एक इसको बहुत अच्छा और क्वालिटी लुक देती है। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको रिव्यू और आगे आप क्या देखना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ अच्छा लेके आऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।